दोस्तों स्कैम 1992 इस फाइनेंशियल थ्रिलर वेब सीरीज का फैन कौन नहीं है, हम सब फैन है राइट। अक्टूबर 2020 को रिलीज हुई इस वेब सीरीज ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2020 की ये सबसे सुपर हिट वेब सीरीज बन गई। दोस्तों अब स्कैम 1992 बनाने वाले डायरेक्टर हंसल मेहता अपनी एक और धमाकेदार वेब सीरीज लेके आ रहे हैं। वेब सीरीज का नाम है स्कैम 2003। महाराष्ट्र के चर्चित स्कैम घोटाले पर आधारित यह वेब सीरीज पत्रकार संजय सिंह की किताब रिपोर्टर की डायरी में दर्ज किस्सों के हिसाब से बन रही है। तो दोस्तों क्या थी स्टोरी स्कैम 2003 की और कौन था यह अब्दुल करीम तेलगी, आइए जानते हैं। दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के खानपुर में हुआ था। पिता रेलवे में कर्मचारी थे। पिता का देहांत कम उम्र में ही हो जाने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी करीम पर आ गई और उसने स्टेशन पर ठेला लगाकर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया और किसी तरह इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उन दिनों सऊदी जाने का चलन काफी था, ऐसे में करीम ने भी कमाई के लिए सऊदी की राह पकड़ ली और यहाँ से उसे पैसा कमाने का चस्का लग गया। सऊदी अरब से 7 साल बाद भारत वापस लौटा करीम सीधा आर्थिक राजधानी मुंबई जा पहुंचा। उस समय 80s का दौर था और फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम भी होता था, ऐसे में करीम ने भी फर्जी पासपोर्ट का धंधा शुरू कर दिया। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि पुलिस ने 1991 में उसे फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहने के दौरान वही के कैदी ने करीम को बताया कि हर्षद मेहता स्कैम के बाद मार्केट में स्टैम्प की कमी हो गई है। इसके साथ ही करीम को यह भी जानकारी मिल गई कि अब लोग पुराने शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट से रेवेन्यू स्टैम्प निकाल रहे हैं। तो बस फिर क्या था, यही से उसके दिमाग में स्टैम्प का धंधा करने का खुराफाती आइडिया आया और जेल से बाहर निकलते ही उसने स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस ले लिया। लाइसेंस मिलने के बाद अब्दुल करीम तेलगी ने सबसे पहले महाराष्ट्र में अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। बैंकों, बीमा कंपनियों और स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स को फर्जी से स्टैम्प बेचना शुरू कर दिया। इन विभागों के कई कर्मचारी अधिकारियों को रिश्वत देकर उसने अपने तरफ कर लिया। जब महाराष्ट्र में उसका बिजनेस जम गया तो उसने एक एक करके लगभग 16 राज्यों में अपना नेटवर्क बना दिया। हर जगह उसके फर्जी स्टैम्प बिकने लगे और यहाँ से उसे करोड़ों का फायदा होने लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल करीम तेलगी ने स्टैम्प पेपर बेचने के लिए और पैसों का हिसाब करने के लिए MBA किए हुए 300 लड़कों को नौकरी पे रखा था। स्टैम्प IT के नाम से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख रहे आर श्री कुमार ने BCCI को बताया कि तेलगी ने नासिक के सरकारी टकसाल से पुरानी और रिजेक्टेड हो चुकी मशीनें खरीदी थी जिसमें स्टैम्प पेपर और सिक्योरिटी मास्क क्रिएट किए जा सकते थे। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर हो या 1000 रुपए का, उनको छापने का तरीका एक ही होता था, इसलिए एक ही मशीन से करोड़ों रुपए के स्टैम्प छापे जाते थे। तेलगी का काम करने का तरीका सादा सिंपल सा था, वह धन बल या पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करता था। अगर कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता तो वो उसके ऊपर या नीचे वाले आदमी को खरीद लेता था। मामले तो उस पर 1995 में ही दर्ज हो गए थे लेकिन गिरफ्तारी 2001 में हुई। अब्दुल करीम तेलगी और उसके स्टैम्प पेपर घोटाले पर बॉलीवुड में पहले से ही एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है मृदंग द स्टैम्प, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी ने इस फिल्म पर उस वक्त रोक लगा दी थी। उस वक्त तेलगी ने कहा था कि इस फिल्म में दिखाए गए तथ्य उस पर चल रहे केस में खलल डाल सकते हैं। यह फिल्म पहले MX प्लेयर पर अवेलेबल थी, मैंने काफी ढूंढा मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिल जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दे दीजिएगा। तेलगी 20 सालों से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और HIV की समस्या से जूझ रहा था। अक्टूबर 2017 में बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में तेलगी की मौत हो गई। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।